गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने ले लिया है BMW कार को, जो कि मैं यहाँ पर चला पा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और चलाने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है, और साथ साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है जो हमारी न्यू JCB है, इसका भी चीट कोड मुझे मिल चुका है, जिससे मैंने स्पाउंड भी करवा लिया है। और यहाँ पर दोस्तों मुझे यहाँ पर JCB के सारे कंट्रोल मिल चुके हैं, जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया ऑटो रिक्शा को, क्योंकि ऑटो रिक्शा का चीट कोड मुझे यहाँ पर मिल चुका है, और यहाँ पर मैं इसको चला भी पा रहा हूँ, जो मेरा कैरेक्टर इसको चला पा रहा है, काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और यही नहीं, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर भाई फ्लाइंग थार को भी ले लिया, जो कि मैं यहाँ पर फ्लाइंग करवा पा रहा हूँ, और फ्लाइंग थार को फ्लाइंग करवाने में यार काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है दोस्तों, आप लोग यार देख ही सकते हैं। और जो मेरी यहाँ पर बिलेरो कार है, उसको मैंने मोस्टर कार में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं मोस्टर कार को चला भी पा रहा हूँ, और जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है, जो कि आप लोग देख लो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है यूट्यूब चैनल RT गेमर पर। दोस्तों आज वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मस्त होने वाले, क्योंकि फाइनली हमारे गेम में काफी सारे न्यू चीट कोड आ चुके हैं, जो कि काफी सारे यार सीक्रेट चीट कोड भी हैं। तो आज वीडियो आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस गेम में जो हमारी BMW कार है उसका चीट कोड क्या है, JCB का चीट कोड क्या है, और साथ साथ हमारे गेम में जो आ चुका है भाई, जो हमारे भाई बलेरो मोस्टर कार का चीट कोड क्या है, और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि हम भाई इस गेम में जो हमारा ऑटो रिक्शा आया है उसका चीट कोड क्या है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आप लोगों को यार करना का इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, और अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे तभी आप लोग भाई चीट कोड ले पाएंगे, और तभी आप लोग जान पाएंगे। तो चलो मैं आप लोगों को फाइनली बता देता हूँ कि हमारे गेम में BMW कार का चीट कोड क्या है, और JCB का चीट कोड क्या, और साथ साथ हमारे गेम में जो भाई बलेरो मोस्टर कार आई है उसका चीट कोड क्या, फ्लाइंग थार का चीट कोड क्या होने वाला है। और साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे गेम में टीवी ऑन का चीट कोड है वो भी बताने वाला हूं, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो इसी फटाफट आप लोगों को करने का, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो मैं आप लोगों को फटाफट चीट कोड बताना स्टार्ट कर देता हूं। तो पहला जो चीट कोड है उसको लेने के लिए आप लोगों को 300 डायल करना पड़ेगा, और हमारी ये टार्जन कार आ जाती है। काफी सारे लोगों को टार्जन कार के बारे में नहीं पता था, और ये हमारे गेम में सबसे छोटी कार देखने को हम लोगों को मिल जाती है, जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं। और ये टार्जन कार है काफी ज्यादा मस्त लगती है, और काफी सारे लोगों को इसका चीट कोड नहीं पता था। तो नेक्स्ट वाला जो चीट कोड है उसको लेने के लिए आप लोगों को फटाफट डायल कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों को डायल करना है, मैं आप लोगों को बता दूं। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग भाई लास्ट में भूल जाते हैं, और किसी भी वक्त में आप लोगों को चीट कोड बता सकता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो ये वाला नेक्स्ट वाला जो चीट कोड है वो आ जाता है भाई ये फायर इंजन का, जो कि न्यू फायर इंजन है, उसके कंट्रोल अभी ऐड नहीं किए गए हैं, मतलब कि आप लोग भाई अभी आग को बुझा नहीं सकते, क्योंकि आग अभी लगती ही नहीं हमारे गेम में, सो इसीलिए इसके कंट्रोल को रेडी नहीं किया गया है, और हो सकता है कि न्यू अपडेट में रेडी कर दिया जाए। तो नेक्स्ट जो चीट कोड है वो पोर्से कार का, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा मस्त कार है, जो कि चलाने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीट कोड है उसको लेने के लिए आप लोगों को डायल करना पड़ेगा 2244, और हमारी ये सुप्रा कार आ जाती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और काफी सारे लोगों को अभी तक सुप्रा कार का चीट कोड नहीं पता था, जो कि हम लोगों को रेड कलर में देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा मस्त कार है। और नेक्स्ट वाली जो कार है उसका चीट कोड लेने के लिए आप लोगों को 8123 डायल करना पड़ेगा, और हमारी ये मस्टैंग GT कार आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लगती है, और आप लोग इसको चलाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छे इसके कंट्रोलिंग वर्क करते हैं। चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीट कोड बता ही देता हूं, तो इसके लिए आप लोगों को 2020 डायल करना पड़ेगा, और हमारी ये इंडीवर कार आ जाती है, जो कि व्हाइट कलर में देखने को मिल जाती है, और काफी ज्यादा मस्त और काफी ज्यादा स्मूथली ये कार है, काफी ज्यादा मजा आता है चलाने में। और चलो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला चीट कोड बता ही देता हूँ कि नेक्स्ट वाला चीट कोड लेने के लिए आप लोगों को इस गेम में क्या क्या चीट कोड डायल करना पड़ेगा, कौन सा चीट कोड है हमारी नेक्स्ट वाली कार का, तो मैं आप लोगों को फटाफट बता ही देता हूँ। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डायल कर देना है 50 50, और हमारे गेम में आ जाता है ये वाला जो डायनासोर है, मतलब बेबी डायनासोर, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डायल कर देना है 200, और जैसे आप लोग भाई इसमें 200 डायल कर देंगे वैसे हमारे भाई हॉर्स भी आ जाता है, क्योंकि हमारे गेम में काफी सारे जानवर के भी चीट कोड ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और नेक्स्ट वाला जो चीट कोड है वो हमारा डॉग का आ जाता है, तो आप लोगों को 600 डायल करना पड़ेगा, और हमारा डॉग का भी चीट कोड मिल जाता है हम लोगों को, जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर 3 चीट कोड, मतलब काफी सारे हम लोगों को यहाँ पर जानवर भी देखने को मिल जाते हैं इस गेम में। उसके बाद आप लोगों को 700 डायल करना पड़ेगा, और हमारी ये वाली लंबरगिनी आ जाती है, जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीट कोड है उसको लेने के लिए आप लोगों को 3100 डायल करना पड़ेगा, और हमारी फाइनली बिलेरो कार आ जाती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को भाई इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बिलेरो कार को मोस्टर बिलेरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 320 पे आप लोगों का ये आ जाता है जेट ट्रक, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला चीट कोड लेने के लिए आप लोगों को 330 डायल करना पड़ेगा। ओ भाई सॉरी, देखो क्या हो गया। चलो आप लोगों को यहाँ पर 330 जैसे आप लोग डायल करेंगे हमारा मिनी जेट पैक भी आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को मिनी जेट पैक का चीट कोड नहीं पता था। और अभी मैं आप लोगों को फाइनली
बताने वाला हूँ जेसीबी का चीट कोड, तो वीडियो को पूरा जरूर देखो। और बीएमडब्ल्यू कार का भी चीट कोड बताने वाला हूँ, फ्लाइंग थार का भी चीट कोड बताने वाला हूँ, बोलेरो मोस्टर कार का भी चीट कोड बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आप लोगों को सारे के सारे न्यू चीट कोड मिल जाएंगे। चलो मैं आप लोगों को फाइनली अब नेक्स्ट वाला चीट कोड बता ही देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट वाला चीट कोड कौन सा है, और नेक्स्ट वाला चीट कोड लेने के लिए आप लोगों को फटाफट इस गेम में क्या क्या डायल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाला चीट कोड लेने के लिए आप लोगों को फटाफट यहाँ पर डायल करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक आप लोगों ने इस गेम को डाउनलोड नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो चीट कोड हमारा था वो थार का, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारी फ्लाइंग थार को लेने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ। और उससे पहले आप लोग भाई 33 जैसे आप लोग डायल करेंगे और हमारी आ जाती है स्कॉर्पियो, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक कार जो कि काफी अच्छी कार है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीट कोड है उसको लेने के लिए आप लोगों को फटाफट यहाँ पर डायल करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं चलो बता ही देता हूँ कि आप लोगों को डायल क्या करना पड़ेगा, और आप लोगों को यहाँ पर डायल करना 12 12, और जैसे आप लोग डायल करेंगे वैसे हमारा ये ट्रक आ जाता है। और आप लोगों को इस गेम में ट्रक विद ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आप लोगों को 0 आगे लगा देना है, उसके बाद आप लोगों को ट्रक विद ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और चलो मैं आप लोगों को अब जेसीबी का चीट कोड फाइनली बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे थे कि फाइनली इस गेम में जेसीबी का चीट कोड क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक काफ़ी सारा सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं। सीक्रेट चीट कोड यह है कि ये जो रोल है आप लोगों को रोल को ऑन करने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट चीट कोड है। इसके लिए आप लोगों को RGS टूल में लिख देना है रोल ऑन, और जैसे आप लोग इसमें लिखेंगे रोल ऑन वैसे ही हमारा जो ये रोल है वो घूमने लगेगा। भाई काफ़ी सारे लोग इसको ऑन नहीं कर पा रहे, तो आप लोग ये देखो इस तरीके से आप लोग इस रोल को घुमा सकते हैं, और ये देखो ये नाचने लगा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। इसको आप लोग भाई ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ करने के लिए आप लोगों को फिर से सिंपली करना कि आप लोगों को फिर से जाना है RGS टूल में, और इस तरीके से देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त ये रोल लगता है, जो कि आप लोग भी यार देख ही सकते हैं। और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, तो इसको ऑफ करने के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पर लिख देना है रोल ऑफ। जैसे आप लोग इसमें रोल ऑफ लिखेंगे RGS टूल में वैसे हमारा जो रोल है वो ऑफ हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को करके दिखाई देता हूँ, तो रोल ऑफ जैसे मैंने इसमें लिखा और हमारा जो रोल है वो ऑफ हो जाएगा, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। ये देखो भाई हमारा जो रोल है वो ऑफ हो चुका है, जो कि आप लोग यार देख ही सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को जेसीबी को लेकर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जेसीबी को ले लिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, ये गेम प्ले वीडियो रोहित गेमिंग स्टूडियो सर ने बताया भेजा है, और फाइनली बताया कि भाई जेसीबी को ऐड कर दिया गया, इसके कंट्रोलिंग मिल चुके हैं, इसके कंट्रोलिंग भी आप लोग भाई कर सकते हैं। बट ये अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे गेम का अपडेट अभी आया नहीं है और प्ले स्टोर पर रिवील नहीं है, सो इसीलिए आप लोगों को जेसीबी का अपडेट नहीं मिला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस गेम में ऑटो रिक्शा को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे और बीएमडब्ल्यू की कोई भी बात हुई नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग जो हमारी भाई थार है उसको फ्लाइंग थार नहीं कर सकते हैं, और जो हमारी बोलेरो है उसको मोस्टर बोलेरो नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस वाले अपडेट में आप लोग भाई बोलेरो कार को स्टार बिलेरो में कर सकते हैं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। और अगर आप लोग भी हमारे गेम में फ्लाइंग थार को ऐड करवाना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि आप लोग भाई जो चीज कमेंट करोगे उसी के लिए मैं रोहित गेमिंग स्टूडियो से बात करके उसको ऐड करवा दूंगा। तो आप लोग यार कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मैं ऐड करवाऊंगा, और मैंने इसलिए आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि ये अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये वीडियो मैं आप लोग रोहित गेमिंग स्टूडियो सर के पास भेजकर बताऊंगा कि सर हमारी जो ऑडियंस है इसके लिए कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज ऐड कर दो। तो फटाफट कमेंट कर दो।